పూర్తి సరసమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ పరిష్కారాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి మల్లారెడ్డి నారాయణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సూరారం హైదరాబాద్. అధ్యక్ష మహోదయ, స్త్రీ కా మెహనత్, స్త్రీ కా గరిమా ఔర్ స్త్రీ కే త్యాగ్ కి పహచాన్ కర్కే హి హమ్ లోగ్ మనుష్యతా కి పరీక్ష మే పాస్ హో సక్తే. आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है. वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और गार गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी. सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है. इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है. अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है. पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे. उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था. बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्ह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया. आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है. राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है.